सो हेलो एंड वेलकम टू टेक ब्रो रमन, एक बार फिर से आ चुके हैं आप सबके बीच में। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन से पांच रीज़न हैं जिनकी वजह से आपको iPad 9th जनरेशन नहीं लेना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि iPad 9th जनरेशन ये जो डिवाइस है ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, इसके लिए आपको जाना ही जाना चाहिए। ये पाँच जो रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिकल ढूंढने से मिले हैं और ये यूज़र स्पेसिफिक हो सकते हैं। यानी कि जो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ ये शायद आपके काम के हो या आपके काम के नहीं भी हो सकते हैं। ये इस बजट में 31,000 और डिस्काउंट के साथ 28,000 रुपये का आपको ये पड़ता है। इस बजट में ये एक अच्छी डिवाइस है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे पांच रीज़न जानने हैं, ऐसे पांच कमियां जानने हैं जो कि यूज़र स्पेसिफिक हो सकती हैं, तो उस रीज़न को जानने के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले रीज़न की बात करते हैं तो वो है इसमें कैलकुलेटर का ना होना। iPad 9 जनरेशन को आप स्टडी के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इस iPad में कैलकुलेटर ही अवेलेबल नहीं है। इसमें आपको कहीं भी कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। अगर आप ऐप स्टोर में जाके कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आपको कैलकुलेटर की एप्लीकेशन मिल जाएगी, इससे आप अपना काम चला सकते हैं, लेकिन इसमें खुद का कैलकुलेटर आपको नहीं मिलता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज बात है। इस कैलकुलेटर को यूज़ करने का आपको नुकसान ये होगा कि आपका काम तो अच्छे से करके दे देगा, बट इसमें आपको ये ऐड आप नीचे देख पाए हैं इन ऐड के साथ डील करना होगा। यानी कि कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए भी आपको एड्स देखने पड़ेंगे, जो कि इसका एक नेगेटिव साइड है। बाकी कैलकुलेटर अच्छा वर्क करता है ये एप्लीकेशन वाला, लेकिन ऐप के साथ आपको डील करना पड़ेगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे रीज़न पर। तो हमारा दूसरा रीज़न है iPad को ना लेने का, वो है इसमें WhatsApp का ना होना। इस iPad 9 जनरेशन में WhatsApp अवेलेबल नहीं है। अगर आप ऐप स्टोर पर जाके WhatsApp को सर्च करेंगे तो आपको WhatsApp कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि iPad के लिए WhatsApp अवेलेबल नहीं है। अब इसके नुकसान आपको क्या होने वाले हैं कि इससे आप WhatsApp के थ्रू वीडियो कॉल नहीं कर सकते। अपना जो डेटा ट्रांसफ़र है, जो फ़ोटो वीडियोस आप ट्रांसफ़र करते हो, वो आप WhatsApp के थ्रू नहीं कर पाएंगे। WhatsApp वेब का यूज़ करके आप अपनी चैटिंग को एक्सेस तो कर सकते हो, लेकिन डेटा ट्रांसफ़र, फ़ोटो वीडियो ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते, और वीडियो कॉलिंग भी आप इसमें WhatsApp के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें WhatsApp अवेलेबल ही नहीं है। टेलीग्राम की बात करें तो इसमें टेलीग्राम अवेलेबल है, लेकिन चूंकि ये एक iOS डिवाइस है तो टेलीग्राम में आप ऑनलाइन वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो टेलीग्राम से आप मूवीज़ वगैरह देखते हो वो आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसमें ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग टेलीग्राम के अंदर सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा रीज़न जो कि अगेन यूज़र स्पेसिफिक हो सकता है, वो है इसमें टेस्ट बुक के एप्लीकेशन का ना होना। टेस्ट बुक एक एप्लीकेशन है जिसमें आप अपने ऑनलाइन टेस्ट लगाते हो। अगर आप एस्पिरेंट हो गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के, तो इसमें टेस्ट बुक का आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें इस टेस्ट बुक के अवेलेबल ऐप जो है वो अवेलेबल नहीं है। अनअकैडमी और बायजूस की ऐप इसमें आपको मिल जाएगी और उन्हीं का आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी टेस्ट बुक की ऐप आपको इसमें नहीं मिलेगी। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो ऑलिव बोर्ड की एप्लीकेशन इसमें आपको नहीं मिलेगी। अफेयर्स क्लाउड की एप्लीकेशन जो कि आप करंट अफेयर्स के लिए यूज़ करते हो, वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। सिर्फ अनअकैडमी और बायजू की ऐप इसमें आपको मिलेगी। अगर आप IAS की तैयारी करते हो तो दृष्टि IAS की ऐप इसमें नहीं मिलेगी, वाजीराम IAS की एप्लीकेशन इसमें आपको मिल जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक नज़र आता है। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे रीज़न पर, वो है कि आपने iPad 9 जनरेशन लिया है, किस लिए लिया है। तो नोट बनाने के लिए आपने लिया है, अपने जो नोट्स बनाने के लिए आपने लिया है, लेकिन इसमें आपको कोई भी नोट टेकिंग की जो एप्लीकेशन है वो अच्छी आपको पेड में मिलती है। जैसे कि ये एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं गुड नोट्स, तो ये आपको 700 रुपये की पड़ती है, जिससे आप अच्छे अच्छे नोट्स अपने बना सकते हो। तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए भी आपको जैसे कि नोट शेल्फ है या फिर और भी एप्लीकेशन है, वो आपको पेड एप्लीकेशन मिलेगी। यानी कि नोट्स बनाने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। जो फ्री एप्लीकेशन है वो इतने अच्छे फीचर्स आपको प्रोवाइड नहीं करती है। हालांकि एक एप्लीकेशन की हम लोग बात करेंगे जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है कोला नोट। तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो फ्री भी है और आपका काफ़ी सारा काम करके दे देगी। इसके अगली वीडियो में हम लोग कोला नोट के ऊपर एक फ्री नोट टेकिंग एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, जहाँ पर आपको इसके फीचर बताएंगे, और ये ऐप जो है बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप इसको देख लीजिएगा। वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं।
अब बात करते हैं हमारे पांचवें और आखिरी पॉइंट पर, जो आईपैड की एक खामी है वो है इसमें अमेज़ॉन प्राइम की वीडियो का सपोर्टेबल ना होना फुल HD। यहाँ पर आप iOS डिवाइसेस पर देख भी पाएंगे अमेज़ॉन प्राइम की वीडियो पर, तो स्ट्रीमिंग जो इसमें वीडियो क्वालिटी है वो सिर्फ आपको HD तक ही मिल पाएगी अमेज़ॉन प्राइम में। यानी कि अगर आप अमेज़ॉन प्राइम एप्लीकेशन का इसमें यूज़ करोगे तो आप फुल HD में अपने कॉन्टेंट नहीं देख पाओगे, सिर्फ HD तक ही मिलता है। iOS के आपके पास कोई भी डिवाइसेस हो, आपको अमेज़ॉन प्राइम HD में ही मिलेगा, फुल HD में आप नहीं देख पाएंगे, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। और एक्सपेक्ट रेशो की बात करें तो वो भी इसका इतना कुछ खास अमेज़ॉन प्राइम में नहीं मिलता है। बात करें नेटफ्लिक्स की, तो नेटफ्लिक्स में जैसे कि आप देख पा रहे हैं तो iPad 9 जनरेशन के लिए 180p का सपोर्ट है, तो नेटफ्लिक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से नेटफ्लिक्स में आपको फुल HD में आसानी से देख पाएंगे। चलते चलते एक और पॉइंट आपको बता देता हूँ, वह है इसका एस्पेक्ट रेशो। इसका एस्पेक्ट रेशो थोड़ा अजीब सा है, इसमें आप वीडियो को जब आप पिंच टू जूम करेंगे, फिल स्क्रीन करके वीडियो देखेंगे तो इतनी अच्छी आपको दिखाई नहीं पड़ती है। एग्जांपल के लिए अभी इंडिया श्रीलंका का जो मैच चल रहा है वो मैं आपको डेमो के लिए दिखा सकता हूँ इसमें। तो एग्जांपल के लिए आप देखें कि एक लाइव मैच चल रहा है, 144 पड़ते हुए हैं इंडिया के, और इसको जब आप फिल स्क्रीन करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको रेशो देखने को मिलेगा, जो आपको थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो ज़्यादा अच्छा देखने में लगता है बजाय के इसके। हालांकि ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन ये एंगल ज़्यादा अच्छा लगता है, और इसमें ये जो कॉर्नर है ये यूज़ नहीं हो पाते हैं स्क्रीन के, तो ये जब iPad आएंगे तो आप कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही यूज़र स्पेसिफिक खामियां हैं, ये शायद आपको इतना अफेक्ट ना करें। इसके अलावा इसका जो बैटरी बैकअप है, इसका जो चार्जिंग रेट है, वो सब काफ़ी अच्छा है। इसमें जो एप्पल पेंसिल के साथ इसका एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, नोट टेकिंग का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको इस डिवाइस के लिए जाना चाहिए, ये एक अच्छी डिवाइस है। ये जो रीज़न थे, वो जो खामियाँ थी वो आपने देख ली होंगी, अगर आपके लिए मैटर करती हैं तो आप नहीं ले सकते, अगर आपके लिए मैटर नहीं करती हैं तो आप इस एप्लीकेशन को ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे बहुत सारी वीडियोस इस iPad के रिलेटेड भी आने वाली हैं, और टेक्निकल वीडियोस भी बहुत सारी आने वाली हैं, तो आप बने रहिए टेक प्रो रमन पर, मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में।